हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश चाहे सर्दियों की हो या बरसात वाली, कुछ चटपटा सा क्रिस्पी खाने का हम सभी का मन करता है। ऐसे में आप ये मसाला वड़ा बना सकते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी और चटपटे से बनते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बच्चों को बड़ों को सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम ये मसाला वड़ा बनाते हैं। मसाला वड़ा बनाने के लिए मैंने चना दाल ली है, आप इसकी जगह उड़द दाल या मूंग दाल भी यूज कर सकते हैं, या आप आधा आधा भी ले सकते हैं, जैसे आधा चना दाल आधा मूंग दाल, इस तरह से करके भी ले सकते हैं। मैंने चना दाल ली है, एक कप चना दाल को 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और ये फूल कर डबल हो गई है, ये देखिए, और आराम से इस तरह से टूट जा रही है, अच्छी तरह से ये फूल गई है। अब हम इसको पीसेंगे, तो हम मिक्सी जार में इसे डालते हैं। 1/4 कप के करीब इसमें से दाल हम साबुत बचा लेंगे, बाकी जार में डाल लेते हैं। 1/4 कप के करीब दाल हमने बचा ली है और बाकी दाल को हमने मिक्सी में डाल लिया है। ये साबुत दाल को हम वड़ों में साबुत ही डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, ये कुरकुरी हो जाएगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी और वड़े भी हमारे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए हम 1/4 कप के करीब दाल को साबुत ही रखेंगे। अब इसी दाल के साथ हम पीसेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जिसे छील कर धोकर और इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 10 करी पत्ते, 7-8 लहसुन की गिरी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो इसे डालें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो 7-8 लहसुन की गिरी डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च है, इसको भी हमने इस तरह से काट के लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। पहले हम इसको इसी तरह से पीसते हैं बिना पानी डाले, अगर इसमें आवश्यकता लगेगी पीसने के लिए तभी हम इसमें 1-2 चम्मच आवश्यकता अनुसार पानी हम इसमें डालेंगे, तभी इसको पीसेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम एकदम से ज्यादा पानी डाल देंगे तो जो हमारा बैटर है ये पतला हो जाएगा और फिर बड़े बनाने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए पानी आपने आवश्यकता अनुसार ही बीच बीच में इसको चेक करना है और आपने इसमें तब आवश्यकता अनुसार पानी डालना है। तो इसे हम पीस लेते हैं, दरदरा हमें इसे पीसना है। दाल को हमने पीस लिया है और इसको हल्का दरदरा रखा है, बहुत ज्यादा दरदरा अगर हम इसे रखेंगे तो इसके वड़े ठीक से बन नहीं पाएंगे और जब हम इसको तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो खुलने का भी डर रहता है, तो इसलिए इसको हल्का दरदरा रखें, लेकिन बिल्कुल बारीक भी ना कर दें। और इसको पीसने में 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी मुझे लगा है, तो इसलिए आप इसको चेक करें, बीच में जैसे आवश्यकता हो उसी हिसाब से पानी डालें। तो दाल अब हमने पीस ली है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। दाल को बाउल में निकाल लिया है, अब इसके लिए एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम लो रखनी है, लो फ्लेम पर ही हमें सारे मसाले रोस्ट करने हैं, क्योंकि अगर तेज आंच में आप रोस्ट करेंगे तो मसाले जल जाएंगे और टेस्ट खराब हो जाएगा। इस तरह से मसालों में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है, तो फ्लेम लो ही रखें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च और 2 साबुत लाल मिर्च ली हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, हमने हरी मिर्च भी डाली है दाल में, इसलिए 2 ले रही हूं मैं, थोड़ा चटपटा बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा तीखा नहीं होगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे बढ़िया से खुशबू आने तक और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक रोस्ट करेंगे। मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें से बढ़िया से खुशबू भी आने लगी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे, उसके बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, दरदरा पीसना है, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं या जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें कूट भी सकते हैं। तो इसको हम पीस लेंगे ठंडा करके, मसाले को इस तरह का दरदरा पीस लिया है, ये देखिए इस तरह का। अब हम दाल में डालेंगे, ये जो दाल हमने साबुत रखी थी इसको डाल देंगे। 2 टेबलस्पून चावल का आटा, इससे वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और जो दाल में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो हमारा बैटर है ये बहुत पतला नहीं होगा, बड़े बनाने में आसानी रहेगी। तो 2 टेबलस्पून चावल का आटा मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। 1 बड़े साइज का प्याज है जिसे काट कर ले लिया है, बहुत बारीक टुकड़ों में भी नहीं काटा है और बहुत मोटा मोटा भी नहीं रखा है, मीडियम साइज में इसको काट लिया है। प्याज का टेस्ट इन वड़ों में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता साफ करके धो के और बारीक काट लिया है। चटपटेपन के लिए 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, इसकी जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब ये जो हमने मसाला बनाकर रखा था ये भी इसमें डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार, और कलर के लिए ये 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं।
अब सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। जब हम वड़े तलेंगे तो जो हमारा ऑयल है ये मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत तेज गर्म भी ना हो और एकदम ठंडा भी ना हो। मीडियम हॉट ऑयल में हम वड़े तलेंगे। और वड़े को आप बनाकर प्लेट में भी रख सकते हैं एक साथ, फिर आप डाल दें तेल में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो वड़े हैं ये प्लेट में चिपक जाते हैं और उठाते समय टूट सकते हैं, तो इसलिए अच्छा यही रहता है कि आप साथ साथ बनाते जाएं और तेल में उसे डालते जाएं। तो ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। एक चीज इसमें और बताना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि बैटर पतला हो गया है और आप उसको वड़े बना नहीं पा रहे हैं उसके, तो उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी आप उसमें मिक्स कर दें, जिससे वो बैटर परफेक्ट हो जाएगा और फिर वड़े आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके वड़े बनाते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के हम चिकना कर लेंगे हाथ को, और एक नींबू के साइज का बैटर इस तरह से लेंगे हम, और इस तरह से करते हुए इसे टिक्की की तरह बना लेंगे। आप चाहें तो इसे पकौड़ों की तरह भी तल सकते हैं, शेप कुछ भी रहे टेस्ट तो वही आएगा, उतना ही बढ़िया लगेगा। ये देखिए इस तरह से, बहुत मोटी सी टिक्की भी ना रखें और बहुत पतली भी ना करें, इस तरह की टिक्की आप बना लें। अब हम इसे तेल में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम हॉट ऑयल है और फ्लेम को भी हमने मीडियम कर रखा है। अब इसमें आराम से हम ये वड़े डालेंगे। ज्यादा वड़े भी एक साथ आप पैन में या कढ़ाई में ना डालें, और इसे अब हम एक साइड से थोड़ा सिकने देंगे, उसके बाद इसे हम पलटकर दूसरी साइड से भी सेकेंगे। मैं इसे पैन में इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, इसे कम तेल में ही हमारे वड़े अच्छी तरह से कुरकुरे हो जाएंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब वड़े एक तरफ से हल्के सिक जाएं तो आराम से इसको इस तरह से पलट लें, और दूसरी तरफ से भी अब हम इसको सिकने देंगे। बढ़िया सा गोल्डन कलर आएगा, तब तक हम इसको पलट पलट कर सेकते रहेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर इस पर आ जाएगा। तब तक इसे हमें इस तरह से फ्राई करना है। वड़ों को हमने उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और इसका कलर देखिए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन आ गया है। और जो वड़े हमने पहले डाले थे वो हमारे रेडी हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेते हैं किचन टॉवल पर, और ये जो बाद में डाले थे इनको हम होने देते हैं अभी। ये वड़े भी हमारे बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अगर हम वड़ों को तेज आंच में सेक लेंगे तो ये बाहर से तो काले हो जाएंगे, एकदम जल जाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं पक पाएंगे। दाल को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। और इसी तरह बाकी के वड़े भी हम बना लेंगे। क्रिस्पी और चटपटे मसाला वड़ा बनकर तैयार है। इसे आप चाय के साथ खाएं या अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ये जो हमने साबुत दाल डाली थी उसकी वजह से ये देखने में भी सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। एक देख भी लेते हैं, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। इसे तोड़कर भी देखते हैं, ये देखिए अंदर से सॉफ्ट हैं और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।